Okay, students, from the functions transformation, a question of the past paper, it is from May, June 20. Question diya gaya, a function f and g are such that एक एफ एक्स का फंक्शन आपको दिया गया, ठीक हो गया, और एक जी एक्स का फंक्शन दिया गया इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स. एफ एक्स के ऊपर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुई हैं जिससे नया फंक्शन बना, और वो कौन सा फंक्शन बना? जी एक्स का फंक्शन बना. जी एक्स का कोई अलग से फंक्शन नहीं दिया गया, ठीक हो गया. स्टेट द रेंज ऑफ द एफ एंड जी फंक्शन. हमें फंक्शन एफ और फंक्शन जी की रेंज कैलकुलेट करना है. अब आइए जनाब, इन द फर्स्ट पार्ट व्हाट वी हैव टू डू, एफ एक्स का फंक्शन ये रहा जो कि सामने आपको बना हुआ नजर आ रहा है, हमें इसकी रेंज कैलकुलेट करना है. हमें इसकी रेंज कैलकुलेट करना है. अब इस फंक्शन की रेंज मेन एक्सिस कितना है बच्चों? टू. मेन एक्सिस कितना है? साइन फंक्शन स्टार्ट होता है मेन एक्सिस से. साइन फंक्शन स्टार्ट होता है मेन एक्सेस से. ये बनाया आपने मेन एक्सेस, एंड भी साइन फंक्शन मेन एक्सेस पर होता है, ठीक हो गया. अब आप देखिए, मेन एक्सेस इज टू, मेन एक्सेस इज टू. जो मल्टीपल होता है उतना ऊपर और उतना नीचे एम्पलीट्यूड टाइम्स मूव करना होता है हमें. तो टू प्लस थ्री कितना हो गया? फाइव. और टू माइनस थ्री माइनस वन. तो रेंज हम लिख सकते हैं, एफ एक्स की रेंज हमारी क्या बनकर आ गई? एफ एक्स की रेंज हमारी बनकर आ गई माइनस वन से लेकर फाइव तक की रेंज बनकर आ गई. कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन, क्लियर हो गई बात. आगे देखिए, रेंज हमें जी एक्स की भी कैलकुलेट करनी है. अब g का फंक्शन क्या है? ट्वाइस ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, टू से मल्टीप्लाई हो गया. अगर मैं इसको टू से मल्टीप्लाई करके यहां लिखूं, तो टू से मल्टीप्लाई करके लिखूं तो क्या हो जाएगा? फोर माइनस के साथ प्लस सिक्स साइन टू एक्स. ऐसा ही है. ये फंक्शन किसका बनकर आ गया? जी एक्स का. और इसकी अगर मुझे रेंज कैलकुलेट करना हो तो मैं लिख सकता हूं कि जी एक्स इज इन बिटवीन जी एक्स. मेन एक्सिस क्या हो गया? माइनस फोर. माइनस फोर प्लस सिक्स, माइनस फोर प्लस सिक्स, माइनस फोर प्लस सिक्स टू, एंड माइनस माइनस फोर इट इज टू, एंड माइनस फोर माइनस सिक्स कितना हो गया? माइनस टेन. तो ये जी एक्स की रेंज आ गई माइनस टेन से लेकर टू तक. बात आ रही है समझ में? यस सर. यस और नो? क्लियर हो गई बात. आगे सुनिएगा, थ्री मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको दिया गया. दिस पार्ट इज ऑफ थ्री मार्क्स. यस सर, अगर एफ एक्स के रेंज को हम टू से मल्टीप्लाई करें तो वो सेम आंसर आएगा, लेकिन पूरा फंक्शन के साथ आपको बता दिया गया, ठीक है. नाउ अब देखिए, स्केच ऑन द सेम डायग्राम द ग्राफ ऑफ जी एक्स. जी एक्स का ग्राफ हमें बनाना है. अब जी एक्स का ग्राफ अगर बनाना है हमें तो देखिएगा, अब जी एक्स का हमें ग्राफ बनाना है. जी एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, याद रखिएगा. इसमें हुआ क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो रिफ्लेक्शन हो गया. माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो रिफ्लेक्शन हो गया. अब मैं सिंपल सिर्फ रिफ्लेक्टेड कर्व बना रहा हूं. मैं सिर्फ ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा, ये वाला पॉइंट ऊपर आ जाएगा, इधर आ जाएगा. रिफ्लेक्टेड कर्व बना रहे हैं, ये अपनी जगह पर रहेंगे, ये अपनी जगह पर रहेंगे. सिर्फ रिफ्लेक्टेड कर्व बना रहे हैं. ये सिर्फ रिफ्लेक्टेड कर्व हम बना रहे हैं मेन जो एक्सिस है उसके अकॉर्डिंगली. नाउ ये रिफ्लेक्टेड कर्व बनकर आया, रिफ्लेक्टेड कर्व बनकर आया, ठीक हो गया. अब सुनिएगा, रिफ्लेक्टेड कर्व तो हमने बना दिया. अब हमें इसको क्या करना है, टू की वजह से स्ट्रेच करना है, टू यूनिट्स अबव एंड टू यूनिट्स बिलो. हमें इसको
स्ट्रेच करना है टू यूनिट्स अबव एंड टू यूनिट्स बिलो। किस तरीके से होगा अब जरा चेक करते हैं, लेकिन अब एक चीज सुनिएगा, अब एक चीज सुनिएगा, इसमें थोड़ा सा हमसे जो रिफ्लेक्शन है माइनस से जो मल्टीप्लाई हुआ रिफ्लेक्शन जो है जो माइनस से मल्टीप्लाई होकर हमने किया, बेसिकली ये आपको बताया गया था कि जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो रिफ्लेक्शन होता है एक्स एक्सिस के थ्रू। किसके थ्रू होता है? एक्स एक्सिस के थ्रू, ऐसा ही है। तो जब रिफ्लेक्शन होगा एक्स एक्सिस के थ्रू, तो सुनिए ये हम कितना ऊपर है, टू यूनिट ऊपर है। हम जब इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो हम कहां जाएंगे, टू यूनिट्स नीचे जाएंगे। कहां जाएंगे? टू यूनिट्स नीचे जाएंगे। लेकिन पता ये चला टू से मल्टीप्लाई भी हो चुका है, तो मजीद हमने रेंज निकाल चुके हैं कहां तक जाना है, माइनस टेन तक। तो हम मजीद नीचे आएंगे और कहां पर आ जाएंगे, माइनस टेन पर आ जाएंगे। ये आप रिफ्लेक्ट भी हुए, रिफ्लेक्ट भी हुए और स्ट्रेच भी हुए, ये पॉइंट यहां आया, सही है। मजीद आप आए मतलब ट्वाइस, ये आप कहां पर आ जाएंगे, फोर पर आ जाएंगे। टू पर है ना, रिफ्लेक्ट हुए टू पर आए लेकिन फोर पर आ जाएंगे, बेसिकली फोर पर। ये अभी आप कहां हैं, फाइव पर। रिफ्लेक्ट होकर कहां आ जाएंगे आप, टेन पर आ जाएंगे। कहां जाएंगे, माइनस टेन पर आ जाएंगे। ठीक हो गया, माइनस टेन पर आ गए आप। फिर यहां से आप चलेंगे माइनस वन पर है, इधर गए तो प्लस टू पर आ जाएंगे। पहले तो रिफ्लेक्ट हुए, माइनस वन से जब रिफ्लेक्ट होंगे तो एक्स एक्सिस के थ्रू यहां पर रिफ्लेक्ट होंगे और टू पर आ जाएंगे। तो ये जनाब आपका जो कर्व बनकर आ रहा है, द कर्व इज लाइक दिस वन। इस जगह से पास होना जरूरी है क्योंकि एक्स एक्सिस इज द मिरर लाइन, एक्स एक्सिस इज द मिरर लाइन, और मिरर लाइन पर जो पॉइंट होता है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता, वो इनवेरिएंट लाइन पर है। और फोर पर आकर हम एंड हो जाएंगे एग्जैक्टली बिल्कुल इसके नीचे, ये। अब आप देखिए क्या ये कर्व ऐसा लग रहा है कि रिफ्लेक्ट भी हुआ है और स्ट्रेच भी हुआ है। यहां पर देखिए ये कम स्पेस है, यहां पर स्पेस ज्यादा हो गया, यहां पर स्पेस कम है और यहां पर स्पेस ज्यादा हो गया। ये रिफ्लेक्ट भी हुआ है और स्ट्रेच भी हुआ, बात आ रही है समझ में। ये रिफ्लेक्ट देखो यहां पर कितने यूनिट यूनिट है, टू यूनिट। रिफ्लेक्ट होता तो टू पर आता, लेकिन टू यूनिट और मजीद दूर चला गया, कहां पर चला गया, फोर पर आ गया। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट भी हो रहा है और स्ट्रेच भी हो रहा है, रिफ्लेक्ट भी हो रहा है और स्ट्रेच भी हो रहा है। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर हो रहा है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर हो रहा है। ठीक है, हाँ समझ में आ रही है चीज, सही है बेटा। आगे देखिए क्या कहा गया, द फंक्शन एच इज सच दैट, द फंक्शन एच इज सच दैट जी के एक्स में पाई को ऐड करवा दिया गया, फंक्शन जी के एक्स में पाई को ऐड करवा दिया गया। डिस्क्राइब फुली अ सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स एफएक्स, एफएक्स को जो एच बनाए वो आप बताइए। अब सुनिएगा, एफएक्स को जो ट्रांसफॉर्मेशन जी एक्स में कन्वर्ट कर रही थी वो क्या थी, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, एक तो ये था, दूसरा क्या था, स्ट्रेच विद स्ट्रेच फैक्टर टू, विद स्ट्रेच फैक्टर टू और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, ऐसा ही था। फिर क्या है, अब जी एक्स को जो एच एक्स में कन्वर्ट कर रहा है वो क्या है बच्चों, एक्स में ऐड हुआ, एक्स में ऐड हुआ, एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो ट्रांसलेशन होती है, ट्रांसलेशन हो रही है, ट्रांसलेशन हो रही है किस में,
एक्स जब एक्स में एड या सब्ट्रैक्ट होगा, ट्रांसलेशन इन एक्स डायरेक्शन ट्रांसलेशन ऑफ पाई यूनिट्स इन एक्स डायरेक्शन, बात आ रही है समझ में? ट्रांसलेशन ऑफ पाई यूनिट इन एक्स डायरेक्शन, दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन. यस गाइस, अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. क्वेश्चन दिया गया कि आपने सॉलिड लाइन से फंक्शन है और ब्रोकन लाइन से ट्रांसफॉर्मेशन है फंक्शन की. आपने फर्स्ट पार्ट में बताना है कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई है. तो आप देखिए, एग्जैक्टली इट इज अ रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, और रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस को हम कैसे लिख सकते हैं? द ट्रांसफॉर्मेशन इज वाई इक्वल्स टू एफ माइनस एक्स. ये आपके पास स्टेट इन टर्म्स ऑफ एफ द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ शोन इन द ब्रोकन लाइंस. ब्रोकन लाइन में जो ग्राफ है उसकी इक्वेशन ये बनकर आ गई, वाई इक्वल्स टू एफ माइनस एक्स. यहीं पर लिख देते हैं वाई इक्वल्स टू एफ माइनस एक्स. बात आ रही है समझ में? कोई कंफ्यूजन? ओके स्टूडेंट्स, अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, हमारे पास तीन किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन है. द फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन, सेकेंड वन इज द फर्स्ट इज ट्रांसलेशन, सेकेंड वन इज रिफ्लेक्शन एंड द थर्ड वन इज स्ट्रेच. याद रखो, देखते ही डायग्राम पता चल जाना चाहिए कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, क्योंकि ट्रांसलेशन और रिफ्लेक्शन में शेप चेंज नहीं होता, स्ट्रेच में शेप चेंज हो जाता है. और इस डायग्राम में शेप चेंज हुआ है तो ये स्ट्रेच हो गया है, राइट? तो हम लिख सकते हैं फंक्शन क्या हुआ है, स्ट्रेच हुआ है. फंक्शन फंक्शन क्या हुआ है, स्ट्रेच हुआ है. सो वाई इक्वल्स टू एफ एक्स को अब हमने कन्वर्ट करना है, और कितना स्ट्रेच हुआ है, टू यूनिट फोर पे कन्वर्ट, मतलब स्ट्रेचिंग इस पे कितने यूनिट्स की हुई है, टू यूनिट की स्ट्रेचिंग हुई है. तो अब हम लिख सकते हैं इट विल बी एफ, और मल्टीप्लाई कौन होगा इसे, ये परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है. तो एक्स और यहां पर टू लिखा जा सकता है, क्योंकि फंक्शन अगर मल्टीप्लाई होता है किसी कांस्टेंट से तो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होती है, और अगर एक्स मल्टीप्लाई होता है किसी कांस्टेंट से तो परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस होता है. ये तो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, तो इट मींस फंक्शन मल्टीप्लाई हुआ है कांस्टेंट से, और किससे मल्टीप्लाई हुआ, टू से मल्टीप्लाई हो गया, हर चीज ट्वाइस दूर हो गई. ठीक हो गया? ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इसमें देखते ही हमें मालूम हो गया ये स्ट्रेच नहीं है, ये स्ट्रेच नहीं है. और ये जो आपका ये जो बेसिक डायग्राम आपकी बनी हुई है सॉलिड में, ये पलट कर इधर नहीं नजर आ रही, ऐसी ही नजर आ रही है. इसका मतलब क्या हुआ, इसको पुश किया गया है और यहां पर लेकर आ गया है. तो जब पुश किया जाए किसी फोर्स से तो इट मींस ये ट्रांसलेशन हुई है. क्या हुआ है, ये ट्रांसलेशन. अब मैं लिख सकता हूं ये ट्रांसलेशन हुई है, और ट्रांसलेशन में क्या करते हैं जनाब, एड या सब्ट्रैक्ट करते हैं. ट्रांसलेशन में क्या करते हैं जनाब, एड या सब्ट्रैक्ट करते हैं. और दो चीजें होती हैं ट्रांसलेशन में, दो चीजें होती हैं ट्रांसलेशन में. अगर तो फंक्शन में एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, फंक्शन में एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा तो वाई एक्सिस से पैरेलल चलेंगे, और अगर एक्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा तो एक्स एक्सिस से पैरेलल चलेंगे. ऐसा ही है. अब आइए, मैं सिर्फ एक पॉइंट को यहां पर पिक कर रहा हूं, सिर्फ ये वाला पॉइंट मैं देख रहा हूं, ये वाला पॉइंट आ गया यहां पर. सुनिएगा सुनिएगा, इस वाई एक्सिस में कितना मूव हुए हम, वाई एक्सिस में कितना मूव हुए हम, वन टू थ्री यूनिट्स नीचे आ गए हम. वाई एक्सिस में कितने यूनिट्स नीचे आ गए हम, थ्री यूनिट्स नीचे आ गए. तो हम लिख सकते हैं फंक्शन को वाई इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस थ्री, क्योंकि हम नीचे की तरफ आए हैं, थ्री यूनिट्स मजीद देव मजीद. वाई इक्वल्स टू, अब एक्स डायरेक्शन में कितना मूव हुए हम, इधर वन टू थ्री फोर, फोर यूनिट. तो देयर फोर द फाइनल आंसर विल बी एफ एक्स प्लस फोर
-3, ये हमारा ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन जो है वो बनकर आ गया। बात समझ में आ रही है कि जब नीचे गए -3 लिखा, और एक्स एक्सिस में जब लेफ्ट साइड पर गए तो पॉजिटिव, और राइट साइड पर जब जाते हैं तो नेगेटिव लिखा जाता है। इज दिस क्लियर? एनी यस कंफ्यूजन? नो सर। नो। यस स्टूडेंट्स, अब आप देखिए इसमें हमें अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कॉस का फंक्शन नीचे आपको बनाकर दिया गया 4 पाई तक, लेकिन हम 2 पाई तक फोकस कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, कहा गया है जो ऊपर वाला फंक्शन है इसकी इक्वेशन आप लिख दीजिए। लिख रहे हैं भाई, ऊपर वाला फंक्शन क्या है? 1, 2, 3, 4, 4 यूनिट्स पर फैला हुआ है, तो इट मींस मेन एक्सिस क्या हो गया इसका? 3 इज द मेन एक्सिस। 3 इज द मेन एक्सिस, कितना ऊपर गए हैं हम? 2 यूनिट्स ऊपर गए और 2 यूनिट्स हम नीचे आए हैं, राइट? 2 यूनिट्स ऊपर गए, 2 यूनिट्स नीचे आए। कॉस का फंक्शन हमें बनाना है। फाइंड इन टर्म्स ऑफ कॉस फंक्शन द इक्वेशन ऑफ द अपर कर्व। इक्वेशन ऑफ द अपर कर्व क्या बनकर आ जाएगी जनाब? वाई इक्वल्स टू मेन एक्सिस क्या है? 3। या पहले कॉस लिखते हैं हम, कॉस। अब एक चीज सुनिएगा, एक चीज सुनिएगा, ये कॉस का फंक्शन 360 डिग्री तक पूरा बना हुआ है, और ये फंक्शन क्या बना हुआ है? आधा बना हुआ है फंक्शन, हाफ फंक्शन बना। कितना बना हुआ है? हाफ फंक्शन बना हुआ है। तो जनाब अब इसमें क्या डिफरेंस होता है? क्या डिफरेंस होता है इसमें? क्या आ जाएगा इसमें? क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। 1/2 एक्स प्लस 3। क्या ये कॉस फंक्शन बन गया? क्या चीज? हाँ, 2 above 2 below, बिल्कुल ये भी लगकर आएगा। 2 cos half x + 3, ये फंक्शन बनकर आ गया। 3 मार्क्स जो आपको दिए गए, 1 mark for this 2, 1 mark for this half, 1 mark for this 3। बात समझ में आ रही? कोई कंफ्यूजन? ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम द अक्टूबर नवंबर 20 पास्ट पेपर। डिस्क्राइब फुली अ सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स fx to gx। fx को gx में जाने के लिए क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, जरा हम चेक करते हैं। पार्ट डी में बच्चों क्या लिखा हुआ है? 3 cos 2x + 2, fx में 2 से मल्टीप्लाई हो गए, x को 2 से मल्टीप्लाई करवाया। जब भी x मल्टीप्लाई होता है किसी कांस्टेंट से, तो वो होता है स्ट्रेच परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। तो मैं लिख सकता हूं स्ट्रेच ऑफ हाफ, स्ट्रेच ऑफ फैक्टर हाफ, क्योंकि जब भी एक्स मल्टीप्लाई होता है स्केल फैक्टर को, स्ट्रेच फैक्टर को उल्टा पढ़ते हैं हम, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। एक तो ये हुआ जनाब, और दूसरा क्या हुआ जनाब? ऐड हुआ है कांस्टेंट। जब कांस्टेंट फंक्शन में ऐड होता है तो ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसलेशन ऑफ 4 यूनिट्स इन वाई डायरेक्शन, ऐसा ही हुआ है यस इन वाई डायरेक्शन। नाउ इन ई पार्ट कहा गया एफ एक्स जाए एच एक्स पर, बताइए क्या हुआ है? सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप देखें, 2 से फंक्शन मल्टीप्लाई हुआ, फंक्शन 2 से मल्टीप्लाई, जब भी मल्टीप्लीकेशन होगी स्ट्रेच होगा। मैं लिख सकता हूं स्ट्रेच ऑफ फैक्टर 2, क्योंकि जब फंक्शन मल्टीप्लाई होता है तो जो जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वही फैक्टर। स्ट्रेच ऑफ फैक्टर 2 परपेंडिकुलर टू, और जब फंक्शन मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या होता है? परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होता है। और दूसरा क्या हुआ बेटा? एक्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हमेशा ट्रांसलेशन में होती है। तो ट्रांसलेशन ऑफ हाफ पाई यूनिट्स,
हाफ पाई यूनिट्स इन एक्स डायरेक्शन। ये जनाब ट्रांसलेशन हुई है हाफ पाई यूनिट्स की किसमें, एक्स डायरेक्शन में। इज दिस क्लियर? 4 मार्क्स, अ वेरी सिंपल थिंग। हर पॉइंट का 1-1 मार्क आपको दे दिया गया। इज दिस क्लियर? सर।